हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। कैसे हो आप लोग? तो गाइस कमेंट में नहीं, राम राम, दिल से कनेक्ट फील होता है गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग टू व्हीलर्स की, जो कि नवंबर में लॉन्च होने वाले हैं। तो यहाँ बात करेंगे सारे टू व्हीलर्स की। इलेक्ट्रिक भी रहने वाली है इसके अंदर, मोपेड भी रहने वाली है, एंड सुपर स्पोर्ट भी रहने वाली है, और एडवेंचर भी। तो दोस्तों सारी बाइक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नीचे लाल बटन आ रहा है दबा दो उसको जल्दी जल्दी, ऐसे ऑटोमेटिक अपडेट्स देखने के लिए। और वीडियो को शेयर जरूर कर देना उन दोस्तों के साथ जिनको बाइक लेनी नवंबर मंथ के अंदर, ताकि उनकी दिवाली बहुत ही बेहतरीन निकले। जो दोस्तों अक्टूबर मंथ के अंदर भी काफ़ी सारी लॉन्चिंग हुई थी, अनवील्स हुई थी बाइक्स, एंड सेम ही नवंबर मंथ के अंदर होने वाली है। कुछ कुछ बाइकें अनवील होंगी, कुछ कुछ लॉन्च होंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं रॉयल एनफील्ड हिमालयन 452 की, जिसका एक्सपेक्टेड प्राइस रहने वाला है 2.8 लैक्स एक्स शोरूम। तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप देख सकते हो, वीडियो मेरे चैनल पर है, आई बटन में मैं डाल रहा हूँ वीडियो, आप चेकआउट कर सकते हो उस वीडियो को। तो अगर बाइक के बारे में इन शॉर्ट बताऊं तो यहाँ पर 452 सीसी का लिक्विड कूल इंजन मिलता है, सिंगल सिलेंडर बेसिकली, एंड जो कि पावर जनरेट करता है 40 PS की, एंड 6 फीट गेयरबॉक्स यहाँ आपको मिलता है। तो एडवेंचर कैटेगरी में आती है, एंड ये 7 नवंबर को लॉन्च होने वाली है, बहुत जल्दी ये लॉन्च होने वाली है इसी हफ्ते के अंदर। सो इसमें शेरपा इंजन मिलता है, जो कि प्रोड्यूस करता है 40 Nm का टॉर्क एट 5500 RPM। सेकेंड बात करते हैं डुकाटी स्क्रैम्बलर 2G की, जिसका एक्सपेक्टेड प्राइस होने वाला है 12 लाख रुपीज़। सो ये डुकाटी की तरफ से अनवील होने वाली है नेक्स्ट जनरेशन डुकाटी स्क्रैम्बलर 800। इसके 3 वेरिएंट रहने वाले हैं, आइकन, फुल थ्रॉटल एंड नाइट शिफ्ट। तो ये बहुत ही अच्छी देखने में लग रही है, स्क्रैम्बलर सीरीज तो आई थी, सो ये वैसी ही लुक लाइक है इसका, और उसी मॉडल पे बनाई गई है, एंड जिसका टेंटेटिव प्राइस रखा गया है 12 लाख रुपीज़। आइकन जो इनका बेस वेरियंट है उसका प्राइस रहने वाला है दैट इज़ 10.39 लैक्स एक्स शोरूम। तो इसकी बुकिंग शॉप है ना, बुकिंग करा सकते हो तीनों वेरियंट की, तो ये नवंबर मंथ के अंदर लॉन्च हो जाएगी। थर्ड बात करते हैं अप्रिला RS 457, इसका पिछले 2-3 महीने से एक्सपेक्टेड लॉन्च चल रहा है, पर ये पता नहीं कंपनी ड्रैग क्यों कर रही है। तो इसका एक्स शोरूम प्राइस रहने वाला है 4,25,000, एंड ये ग्लोबली तो अनवील हो चुकी है बाइक इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, जैसे मैंने बताया आपको, और ये शायद अब इस महीने लॉन्च हो जाएगी। तो इसका जो 457 सीसी का लिक्विड कूल इंजन है विद ट्विन सिलेंडर इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 47.6 PS की पावर, एंड इसका जो डिज़ाइन लिया गया सुपर स्पोर्ट डिज़ाइन है बेसिकली एग्रेसिव लुकिंग के साथ। अप्रिला हमेशा ही एग्रेसिव लुकिंग के साथ आई है मार्केट में, और इसको बिल्कुल ही RS 660 जो इसका अपर वेरिएंट है उसकी कॉपी इसको बनाया गया है, अप्रिला RS 660 की। तो देखते हैं कैसे परफॉर्मेंस करती है, वो तो वक्त आने पर पता चलेगा। इसके अंदर 3 राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं विद 3 लेवल ऑफ ट्रैक्शन कंट्रोल। तो फीचर्स ही इसके अंदर कमी नहीं होने वाली, एंड एक कावासाकी ZX4R को भी टक्कर देगी मार्केट में, पर प्राइस रेंज में तो सबसे ऊपर ही रहने वाली है, क्योंकि ZX4R का प्राइस काफ़ी ऊपर है, एंड KTM Ninja 400 भी यहाँ पर इसकी राइवल है, और KTM RC 390 भी। फोर्थ बात करते हैं काइनेटिक ई लूना की, तो आजकल जो लूना मोफेट है बेसिकली, वो भी 80-90,000 की रेंज में एक्सपेक्टेड प्राइस इनका है, एंड ये डेब्यू कर चुके हैं इस मंथ में। होपफुली इसका जो स्पीड होने वाली डेट इज़ 50 km/h, एंड क्लेम IDC रेंज है इसकी 100 km, तो इनफ है, और स्टोरेज स्पेस भी दिख रही है, एंड एक्सोरूम प्राइस तो आजकल मोफेट भी महंगे हो गए काफ़ी। अब बात करते हैं दोस्तों यामा R3 एंड MT-03 की, तो इन दोनों का एक्सपेक्टेड प्राइस होने वाला है 4 लाख यामा R3 का, एंड 3.80,000 डेट इज़ MT-03 का। तो ये दोनों बाइकें पाइपलाइन में थी, और अब एक्सपेक्टेड है कि इस मंथ के एंड में या फिर फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर ये लॉन्च हो जाएगी बाइक, दोनों बाइक्स। तो दोनों बाइक देखने में बहुत ही बेहतरीन लग रही है, और जल्दी से मार्केट में आए इसका इंतज़ार बहुत है R3 का लोगों को इंडिया में। MT-03 का शायद इतना इंतज़ार ना हो जितना R3 का इंतज़ार है। तो यहाँ पर R3 का जो इंजन है डेट इज़ 321 cc का इंजन मिलेगा लिक्विड कूल विद पैरेलल ट्विन इंजन के साथ, जो कि प्रोड्यूस करेगा 42 PS की पावर एंड 29.5 Nm का टॉर्क। यहाँ पर दोस्तों MT-03 भी सेम इंजन प्रोड्यूस करती है, बट जो यहाँ पर टॉर्क मिलता है वो थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू R3, एंड डेट इज़ 0.1 Nm टॉर्क ज़्यादा मिलता है हमें। देखने की बात है कि एक मतलब ऑन ट्रैक ही ये डिफरेंस पता चलता है, पर सिटी राइड में कुछ पता नहीं चलता इतना डिफरेंस। अब बात करते हैं दोस्तों एथर 450X एंड 450S HR वेरियंट, ये दोनों वेरियंट लॉन्च होने वाले हैं, दोनों वेरिएंट अब इस मंथ में हमें दिखेंगे शोरूम्स पर,
यहाँ पर एच आर जो है दैट इज हाई रेंज, तो बेसिकली 450X एंड 450S ये दोनों अब इस मंथ में मिल जाएगी हमें शोरूम्स पे। 450X HR भी यहाँ पर अब मार्केट में आ जाएगी। उसकी रेंज जो बताई जा रही है डैट इज़ 156 किलोमीटर, सर्टिफाइड रेंज है। एंड 450X HR की जो रेंज है 158 किलोमीटर सर्टिफाइड रेंज। तो यहाँ पर दो वेरिएंट लॉन्च होने वाले हैं एच आर के रेंज के अंदर, डैट इज़ हाई रेंज 450S एंड 450X। 450S की जो वैल्यू होने वाली है, रेंज होने वाली बेसिकली डैट इज़ 156 किलोमीटर, एंड एक्स की जो रेंज होने वाली है 158 किलोमीटर। तो अब 2 किलोमीटर आइडियल रेंज का डिफरेंस है जो कि कंपनी क्लेम करती है। सो दोस्तों ये थे कुछ व्हीकल्स जो कि अब 2 व्हीलर्स बेसिकली जो लॉन्च होने वाले हैं नवंबर मंथ के अंदर। तो कौन सी बाइक आपको पसंद आई है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, एंड शेयर कर देना वीडियो को दोस्तों के साथ अपने जो भी नवंबर मंथ के अंदर बाइक लेना चाहते हैं। सो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ, ड्राइव सेफ, बाय बाय।